वीवो आईपीएल 2021 मैच नंबर 45 कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स। दोस्तों यह मुकाबला खेला जाएगा फ्राइडे 1 अक्टूबर इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं और यह मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम जानने वाले हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या होने वाली, कितना स्कोर बनेगा, क्या वो स्कोर चेंज होगा या फिर डिफेंड होगा। उसके बाद करेंगे दोनों टीमों का प्रीव्यू, देखेंगे कौन सी टीम है ज़्यादा मजबूत और जीत सकती है आज का ये मैच। उसके बाद ये देखेंगे आज के मैच में दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा रन बना सकते हैं और सबसे ज़्यादा विकेट निकाल सकते हैं, मतलब फंटेसी क्रिकेट की बिल्कुल धाकड़ टीम बनाएंगे। तो फंटेसी क्रिकेट से एक चीज़ याद आई, क्या याद आई, चलो देखते हैं। हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी इंडियन टी20 लीग के बचे हुए मैचों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और हम सभी इसका वेट भी कर रहे हैं। और आप सबको पता है मैं क्रिकेट से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लगभग सभी मैचों के एनालिसिस करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। ये करते हुए हाल ही में मैंने माई इलेवन सर्कल ऐप को यूज करना स्टार्ट किया। माई इलेवन सर्कल में दादा BBS लक्ष्मण अजिंक्य रहाणे राशिद खान जैसे प्लेयर्स का अद्भुत रोस्टर है। और दोस्तों ये सच है कि माई सर्कल ऐप में हम सच में BBS लक्ष्मण और राशिद खान जैसे चैंपियन प्लेयर के साथ खेल सकते हैं और इनके आमने सामने जाने का मौका पा सकते हैं। और दोस्तों आप सबको पता है इंडियन टी20 लीग स्टार्ट हो रहे, तो माई इलेवन सर्कल पे सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा पुरस्कार जीतने का आपको मौका है कितना, पूरे 5 करोड़। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर राशिद खान और BBS लक्ष्मण की टीम को हराकर 5 गुना नगद जीत सकते हैं, ना बहुत ही ज्यादा शानदार। और दोस्तों हाल ही में कुछ लोग माई इलेवन सर्कल पे करोड़पति बने हैं, आप उन्हें स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों इंतजार किसका, क्या पता अगले करोड़पति आप बन सकते हैं माई इलेवन सर्कल से। भाइयों एंड बहनों, जो मेरे व्यूअर है यानी कि आप, अगर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी वहां से करेंगे डाउनलोड माई इलेवन सर्कल को, तो आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा कैश, इसके अलावा 1500 का वेलकम बोनस तो मिलेगा ही। तो सोचिए मत, डिस्क्रिप्शन में जाइए माई इलेवन सर्कल डाउनलोड करिए और अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सोच क्या रहे हो यार, फटाफट कर लीजिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब। और इसके साथ साथ अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, सीधा मेरे टेलीग्राम पर आ जाइए। मेरे टेलीग्राम पर आएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा धमाका कर सकते हैं, मेरी मत मानिए, ऐसा करिए पहले मेरे टेलीग्राम पर आइए, मेरा काम देखिए। अगर आपको लगता है मेरा काम इतना जबरदस्त है कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए, ना लगे तो नहीं ज्वाइन करना, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं अफसा प्रोडक्शन हाउस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वेदर की, जो टेम्परेचर होने वाला है 1 अक्टूबर को यहाँ पर 29 से 36 डिग्री सेल्सियस का रहने वाला। रेन की बात करें 10% चांस है कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं अब हम देखते हैं IPL के जो मैच खेले गए इस मैदान पर तब कहानी क्या रही है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक IPL के 38 मैच खेले गए, जिसमें से 18 मैच डिफेंड हुआ है, 17 मैच चेज हुआ है, 3 मैच टाई रहा है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 158 रन, मतलब इस मैदान पर टॉस ज़्यादा कुछ डिपेंड नहीं करता, मतलब पहले बैटिंग करने वाली टीम भी मैचेस जीतती है, बाद में बैटिंग करने वाली टीम भी मैचेस जीतती है। मतलब आप रिकॉर्ड्स देख के ये नहीं कह सकते IPL में कि पहले बैटिंग करने वाली टीम मैच जीतेगी या बाद में बैटिंग करने वाली टीम मैच जीतेगी। हाईएस्ट स्कोर है जो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का IPL में 219 रन SRS के नाम पर है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का IPL में 110 रन 9 विकेट दिल्ली कैपिटल के नाम पर। वहीं इस मैदान पर IPL में जो हाईएस्ट टोटल चेज हुआ है ना 178 रन, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स के सामने IPL 2020 में किया था। लोवेस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ इस मैदान पर 126 रन, जिसे पंजाब किंग्स ने हैदराबाद के सामने IPL 2020 में किया था। वहीं इस मैदान पर जो हाईएस्ट टोटल टाई हुआ है 201 रन, ये मैच खेला गया था RCB वर्सेज MI IPL 2020 में। अगर हम इस मैदान पर टारगेट चेज की बात करें 150 से नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 166 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 150 से 166 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना जो मामला है ना वो 50-50 का, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, मतलब चेज भी हो सकता है
सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ की पिच की बात करें, यहाँ की विकेट की बात करें, यहाँ का जो विकेट है ना वो ड्राई एंड ग्रॉस है। आपने लाइव मैच में देखा होगा यहाँ का जो विकेट है उस पर हरी घास है, जिसकी वजह से जो तेज गेंदबाज है उनको यहाँ के विकेट से थोड़ा बहुत मदद मिलती है। कंडीशन की बात करें, बैटिंग कंडीशन है। वहीं दोस्तों टॉस की बात करें, जो भी इस मैदान पर टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करती नजर आएगी। टीमें यहाँ पर चेंज करना पसंद करती हैं, भले जो रिजल्ट है वो 50-50 का, लेकिन फिर भी टीमें यहाँ पर चेंज करना पसंद करती हैं। वहीं अगर हम इस मैदान पर दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैदान पर खेले कितने मुकाबले, 4, जिसमें से 2 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबला हारा है। मतलब इस मैदान पर जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो 50-50, एक मैच जीतते हैं तो अगला मैच हार जाते हैं। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें, 9 मैच खेला है, 5 मैच जीता है, 4 मैच हारा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 55-60% मुकाबले पंजाब किंग्स इस मैदान पर जीतता है, वहीं 40-45% मुकाबले इस मैदान पर हारता है। मतलब एक हिसाब से देखें तो इनकी भी वही कहानी है, एक जीत एक हार, एक जीत एक हार इस मैदान पर। केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स की बात करें इस मैदान पर, तो ये दोनों टीमें पहली बार इस मैदान पर मैचेस खेलेंगी। मतलब ये देखने वाली बात होगी दुबई का मैदान कौन सी टीम करेगी अपने नाम। वहीं केकेआर की इस मैदान पर मैं हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि केकेआर इस मैदान पर अभी तक एक भी मुकाबला चेज नहीं कर पाया। वहीं लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें, 174 रन, जिसे राजस्थान रॉयल के सामने 2020 में किया था केकेआर ने। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें हाईएस्ट टोटल चेज के 164 रन, जिसे दिल्ली कैपिटल के सामने आईपीएल 2020 में किया था। लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें 126 रन, एसआरएच के सामने आईपीएल 2020 में। तो दुबई के मैदान पर दोनों टीमों को रिकॉर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करें तो पंजाब किंग्स बिल्कुल थोड़ा सा आगे नजर आ रहा है। किससे? जी हाँ दोस्तों, केकेआर से। बिल्कुल थोड़ा सा पंजाब किंग्स केकेआर से आगे नजर आ रहा है। अब हम करते हैं यहाँ पे दोनों टीमों का प्रीव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के, जिन्होंने खेले हैं अभी तक 11 मुकाबला, जिसमें से 5 मुकाबला जीता है, 6 मुकाबला हारा है, इनके 10 पॉइंट्स है। दोस्तों अगर इनको प्ले ऑफ में जाना है, अपने बचे हुए 3 मैच जीत जाते हैं तो बड़े आराम से प्ले ऑफ में चले जाएंगे, लेकिन बचे हुए 3 मैच में से 2 मैच हार गए तो इनका किस्सा कहानी खत्म हो जाएगा, प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। 2 मैच जीतते हैं तो दूसरे टीमों पर डिपेंड करना पड़ेगा प्ले ऑफ में जाने के लिए। इसलिए केकेआर चाहेगा कि 3 मैच जीता जाए और प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाया जाए। दोस्तों ये परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं कुछ ऐसी, जब से यूएई आए हैं काफी धाकड़ काफी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनको देख के लग रहा है हाँ ये 3 मैच जीत सकते हैं। अगर हम इस मुकाबले में चेंजेस की बात करें तो टीम सऊदी की जगह पर आंडे रसल, रसल मसल की वापसी हो सकती है, आंडे रसल पूरी तरह से फिट रहते हैं। तो वहीं बात करें पंजाब किंग्स के, जिन्होंने खेले हैं अभी तक 11 मैच, जिसमें से कितने जीते हैं, 4, हारे कितने हैं, 7, इनके पॉइंट्स कितने हैं, 8। मतलब पंजाब किंग्स यहां से अपने बचे हुए 3 मैच जीत जाता तब भी ये 14 पॉइंट्स पे ही पहुंचेगा। मतलब अगर 3 मैच जीतेंगे तब भी इनको दूसरे टीमों पे डिपेंड होना पड़ेगा, इसलिए केकेआर से जीतना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर केकेआर ये मुकाबला जीत गया, पंजाब ये मुकाबला हार गया, तो पंजाब की कहानी यहीं पर खत्म हो सकती थी। इसलिए पंजाब जीतने से ज्यादा केकेआर पे हराने पे ध्यान लगाएगी, कैसे भी करके केकेआर को हराया जाए। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस ना हमेशा की तरह घिसट घिसट के चलने वाली है, एक मैच जीतते हैं 2 मैच हारते हैं, फिर एक दो मैच जीतते हैं, फिर एक दो मैच हारते हैं। अगर हम इस मुकाबले में चेंजेस की बात करें तो 2 चेंज हो सकते हैं, मनदीप सिंह की जगह पर मयंक अग्रवाल आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं पूरी तरह से फिट हो जाएंगे तो, वहीं दीपक हुडा की जगह पर शाहरुख खान आपको खेलते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का प्रीव्यू करने के बाद कंपैरिजन करें तो यहाँ पे केकेआर बिल्कुल थोड़ा सा पंजाब किंग्स से आगे नजर आ रही है। दोस्तों इस मुकाबले में जीतने के चांसेस की बात करें, बिन चांसेस की बात करें तो केकेआर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फैंटेसी क्रिकेट की। राहुल त्रिपाठी 10 मैच में 262 रन, शुभमन गिल 10 मैच में 217 रन, केएल राहुल 9 मैच में 331 रन, मयंक अग्रवाल 8 मैच में 318 रन। गेंदबाजों की बात करें वरुण चक्रवर्ती 10 मैच में 11 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 9 मैच में 10 विकेट, मोहम्मद शमी 10 मैच में 12 विकेट, अर्शदीप सिंह 8 मैच में 10 विकेट, इनके अलावा नीतीश राणा 10 मैच में 279 रन। गेंदबाजों की बात करें आंडे रसल 11 विकेट,
सुनील नारायण 8 मैच में 9 विकेट, लॉकी फर्ग्यूसन 4 मैच में 7 विकेट, रब्बी बिश्नोई 6 मैच में 9 विकेट। आपको क्या लग रहा था, क्या मैं इनका मोबाइल नंबर बता रहा था? जी नहीं दोस्तों, मैं ये बता रहा था जो अभी तक आईपीएल 2021 के मैच में है, दोनों टीमों में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो प्लेयर हैं जिनके साथ आप फैंटेसी क्रिकेट में जा सकते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड, आंड्रे रसल 261 रन बना चुके हैं पंजाब किंग्स के सामने, इनके अलावा ओएन मॉर्गन 228 रन। वहीं पंजाब की बात करें, केएल राहुल 250 रन केकेआर के सामने। गेंदबाजों की बात करें, सुनील नारायण 30 विकेट, आंड्रे रसल 13 विकेट, मोहम्मद समी 7 विकेट केकेआर के सामने। तो दोस्तों ये वो प्लेयर हैं जो एक दूसरे टीम के सामने हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, तो अपनी फैंटेसी क्रिकेट के लिए इन्हें आप देख सकते हैं। चलो तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।